स्वागत है आप सभी का। 84 कोस में फैला संपूर्ण ब्रजमंडल अपनी कला, साहित्य, संस्कृति और भक्ति के लिए समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ और यहीं भगवान श्री कृष्ण ने लाखों लीलाएं की। अर्थात इस धरती के कण कण में स्वयं प्रभु आज भी विराजमान है। संत जनों ने यहां की पावन धरती को तो वैकुंठ से भी सर्वोपरि माना है। उससे ऊपर और कोई भी धाम नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं प्रभु का घर है। इस ब्रज भूमि में नित्य लीला शेखर भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के ही स्वर सुनाई देते हैं। यहां तो नेत्र और कर्ण बस प्रभु की दिव्य लीलाओं का दर्शन और श्रवण करते हैं। यहां के रमणीय वातावरण में पक्षियों का चहकना, वायु से लताओं का हिलना, मोर बंदरों का वृक्षों पर कूदना, अटखेलियां करना एक अद्भुत वातावरण की अनुभूति कराता है। यूं तो साल के 365 दिन यहां पर्व का माहौल रहता है। यहां का भक्तिमय वातावरण किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कोने कोने से आ रही श्री राधे राधे की गूंज का श्रवण कर सभी सम्मोहित हो जाते हैं। श्री राधे। और ऐसे में अगर कोई विशेष पर्व आ जाए तो कल्पना कीजिए कि यहाँ आनंद कैसा होता होगा। श्री धाम वृंदावन में प्रतिवर्ष होने वाली वन विहार की परिक्रमा का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। इस दिन पूरा वृंदावन भक्तिमय वातावरण में रमा हुआ नजर आता है। वृंदावन के रमण रेती से शुरू होने वाली ये परिक्रमा 12 किलोमीटर की होती है। भक्तगण रमण रेती में वन विहारी सरकार के समक्ष दंडवत होने के पश्चात परिक्रमा आरंभ करते हैं। श्री राधे कृष्ण की जय जयकार करते हुए हजारों की संख्या में भक्त परिक्रमा करते आगे बढ़ते हैं। इस पावन उपलक्ष्य में परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह शरबत और जल की व्यवस्था की जाती है ताकि परिक्रमा के दौरान भक्तों को थोड़ी राहत प्रदान की जा सके। इस विशेष दिन पर भक्त मंदिरों में विराजमान श्री ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार करके उन्हें वन विहार के लिए तैयार करते हैं और पूरे वर्ष में आज ही के दिन ठाकुर जी मंदिर से बाहर आकर सभी परिक्रमा कर रहे भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रत्येक मंदिरों पर गूंजते श्री राधे कृष्ण नाम से सुरमई भजन कानों में मिश्री की तरह घुल जाते हैं।
परिक्रमा मार्ग पर झूमते भक्तों को देखकर मन आनंदित हो उठता है। इस बार हुई वन विहार परिक्रमा का शुभारंभ 3 बजे हुआ, तो तुलसी टीम को सौभाग्य प्राप्त हुआ परिक्रमा कर रहे संत महात्माओं और भक्तों के दर्शन करने का। सभी के मुख पर भक्ति की अलौकिक छटा ये बता रही थी कि परिक्रमा का आनंद अद्वितीय है। जब परिक्रमा मार्ग पर जाकर तुलसी ने भक्तगणों से परिक्रमा को लेकर उनके मन के भाव पूछे, तो भक्त राधे कृष्ण की भक्ति में झूमते नजर आए। बारह किलोमीटर की पावन परिक्रमा को करने के लिए केवल ब्रजवासी ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भक्त आकर वन विहारी सरकार के दर्शन करते हैं। आज की परिक्रमा का महत्व अधिक इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन स्वयं प्रभु ने वन विहार किया था। हमने जब निम्बाक सदन के परम पूज्य श्यामा शरण जी महाराज से वन विहार की परिक्रमा का विस्तृत वर्णन करने का आग्रह किया, तो उन्होंने बड़ी ही विशिष्ट शैली में परिक्रमा के महत्व को समझाया। उत्सव का अभिप्राय है कि अपने जो मन में अपने आराध्य के प्रति सेवा का उत्साह है, उसको प्रकट करना उत्सव के माध्यम से। तो प्रिया प्रीतम की सेवा साधना में, उनकी लीला में एक वन विहार का भी बड़ा महत्व है। प्रातःकाल श्रृंगार के पश्चात अथवा सायंकाल उत्थापन के पश्चात श्री राधा कृष्ण वृंदावन में वन विहार यानी वन भ्रमण हेतु प्रस्थान करते हैं। तो जिस ये प्रतिदिन होता है, लेकिन जिस जिस प्रकार की ऋतु होती है तत्तदनुरूप उस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके सेवक करते हैं। ये अभी जो ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीय, पूरा इतिहास ये कहता है कि एक दिन कुछ संत यहीं इसी रमन रेट्टी के प्रांगण में बैठे हुए थे। ग्रीष्मकाल था और सत्संग के बहाने में प्रिया प्रीतम के वन विहार की चर्चा चल पड़ी और सभी ने कहा कि आज अपने ठाकुरों के साथ हम स्वयं सेवक बन करके वन विहार के लिए चल पड़ेंगे। ऐसा निश्चय करके सब संत अपने आराध्य को साथ में लेकर के और वृंदावन की परिक्रमा में निकल पड़े। अनेक पदों के साथ, कीर्तन के साथ, संकीर्तन के साथ उन्होंने इस वन विहार की परिक्रमा को जन्म दिया। उसके बाद निरंतर ये परंपरा चली आ रही है। प्रतिवर्ष इसी ज्येष्ठ कृष्णा द्वितीया के दिन वन विहार की परिक्रमा रखी जाती है, जिसमें भक्तजन अपने भावोद्रेकता के साथ में इस परिक्रमा को करते हैं। विशेष करके परिक्रमा मार्ग में जितने भी
आश्रम हैं, मंदिर हैं, वो ठाकुर जी अनुग्रह करके और परिक्रमार्थियों को दर्शन देने के लिए बाहर फूल बंगले में आकर के विराजमान होते हैं। ग्रीष्म ऋतु होने से फूल बंगला आवश्यक है, फूलों की सुगंध और फूलों की शीतलता दोनों को ग्रहण करते हैं, सब भक्त आते हैं। यदि भी वैसे साधनतया 2-3 घंटे में परिक्रमा पूरी हो जाती है, लेकिन ये जो वन विहार की परिक्रमा है ये करीब 4-5 घंटे ले लेती है। इसका कारण ही यही है कि जहाँ भी ठाकुर जी विराजमान हैं बंगलों में, वहाँ पर भक्तगण रुकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उस बंगले में विराजमान ठाकुर जी की छवि छटा का दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं, इस प्रकार से चली जाती है। तो ये व्यवस्था का प्रमुख हेतु है कि वन विहार में ठाकुर जी कैसा सुख प्राप्त करते हैं अपने भक्तों के सहित। संपूर्ण वृंदावन यद्यपि दिव्य है उनकी भावनाओं में, और इसी दिव्यता में यहाँ की लता पता फूलवारियाँ जितनी भी संपत्ति है वृंदावन की, वो संपूर्ण संपत्ति आज के दिन प्रफुल्लित हो करके और प्रिया प्रीतम का स्वागत करती रहती है, प्रसन्नता में अपने पुष्पों की अभिवृष्टि करती है और ये निरंतर चलती रहती है। अब जहाँ उत्साह के रूप में प्रत्येक स्थान में अपने भावों को बढ़ावा देने के लिए अपने आराध्य को परिक्रमा के मार्ग में यथासंभव जिसकी जैसी व्यवस्था होती है, मध्य में दूरी पे थोड़ा, वहाँ पर सब भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं और उनके अंदर में उनका भोग राग लगना, प्रसाद वितरण करना, और भी काफ़ी समाज से भी संस्थाएं मार्ग में जल का प्रबंध करती है, जल की प्याऊ लगा देती है, शीतल जल की प्याऊ लगा देती है, इससे कि परिक्रमार्थियों को कोई कष्ट न हो। 12 किलोमीटर लंबी परिक्रमा भक्तजन नंगे पैर बड़ी साधना के साथ पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो फल हमें एक साल की परिक्रमा करने से मिलता है, वो फल हमें वन विहार के दिन परिक्रमा करने से एक ही दिन में मिल जाता है। देखिए, जैसा कि कहा जाता है, आज वन विहार है और वृंदावन में 365 दिन परिक्रमा करने से जो लाभ, जो पुण्य मिलता है, वो केवल आज के परिक्रमा से मिलता है। इसलिए आज का दिन जो है, ये हमारे सनातन वैदिक धर्म के अनुसार बहुत ही शुभ और पुण्य और आनंददायक दिन है। आज आप देख ही रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग में कितनी बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जा रही है और ये परिक्रमा कर रही है। कारण यही है कि हमारे वेदों के मुताबिक आज श्री कृष्ण राधा जी गोपी जी विहार किए थे और इस विहार को करने से मन में एक आनंद की अनुभूति होती है। वैसे भी संत कहते हैं कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ कृष्ण की शरण में और कृष्ण कृष्ण कर। इसीलिए हम सब कृष्ण के शरण में आए हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, हमें पूर्ण श्रद्धा भी है कि हम जिनके शरण में आए हैं वे प्रभु हम तमाम श्रद्धालुओं के दुख दर्द को मिटाएंगे और एक ऐसी आनंददायक जीवन देंगे जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। वन विहार के दिन भक्तों पर ठाकुर जी की एक विशेष महिमा रहती है, इसलिए आज के दिन संपूर्ण ब्रज मंडल वन विहार की परिक्रमा करना नहीं भूलता। सभी भक्त जन सच्चे मन से यहाँ की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मार्ग में प्रत्येक जगह ठाकुर जी की मनमोहक प्रतिमाओं का दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य धन्य हो जाता है। अति प्राचीन वन विहार आश्रम में उपस्थित आचार्य श्री रमेश कृष्ण शास्त्री जी ने भी वन विहार परिक्रमा का वर्णन बड़ी ही मधुर शैली में कर सभी को पल्लवित किया।
श्रीधाम वृंदावन में पूर्व समय से चली आ रही है परिक्रमा, ऐसा कुछ बताते हैं। ब्रजविलास में भी पाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का ये विहार, जो वन विहार लीला है, वो यहाँ से प्रारंभ है। उसमें रमण रीति का भी लेख है। दूसरा क्या है कि ये पहले प्रारंभ से चली आ रही है। इसमें इस स्थान का जो महत्व है, इस स्थान का जो दायित्व है, इस स्थान को जो चलाने वाले हैं श्री श्री 1008 गर्विली शरण महाराज जी, अनंत विभूषित तथा आप वर्तमान में श्री श्री 1008 गोविंद शरण महाराज जी, इसका गौ सेवा, संत सेवा और जो भी आज भक्तगण आज आ रहे हैं, तो पूरे वृंदावन से जो परिक्रमा लगाने के लिए श्रद्धा से, क्योंकि भक्तों के मन में आज पाया गया है, देखा गया है कि सभी माता बहनों के भाव श्रद्धा विश्वास तत्परता में कि जो 12 पूरे साल में जो फल मिलता है वो एक दिन में परिक्रमा करने से पूरा फल की प्राप्ति होती है। तो ये आज सभी से, बच्चों से भी बड़े खुशहाल, क्योंकि आज ये 2 बजे से परिक्रमा प्रारंभ हुई है और इसी ढंग से चली आ रही है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास तत्परता करते हुए कि आज सभी के मन में यह है, वृंदावन में जो भी परिक्रमा लगा रहे हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, उनके मन में यह है कि आज हम वन विहार की परिक्रमा का फल, पूरे साल में जितना फल मिलेगा परिक्रमा लगाने से, इतना एक दिन में फल प्राप्ति होगी। स्पष्ट है कि जिस स्थान पर स्वयं प्रभु ने अवतार लेकर लाखों लीलाएं की, उस स्थान की परिक्रमा करने का अवसर मिलना ही अत्यंत भाग्य की बात है। लेकिन वन विहार के दिन यदि परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल जाए तो आप सर्व सौख की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन आप भी वन विहार की परिक्रमा कर स्वयं को सुख समृद्धि से भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।